और एक क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्विज में हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्विज सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो इस क्विज को ऑर्गेनाइज किया गया है श्री रंगनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्विज में 10 क्वेश्चन रहेगा। पर को अपने 50% ज़्यादा मार्क्स आप सही कर लीजिएगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू होगा। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्विज में पार्टिसिपेट करने से पहले आप लोगों को कुछ अपने बेसिक डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी, नेम, डेजिग्नेशन चूज़ कर लीजिए, फैकल्टी है, स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर है या फिर जॉब करते हैं, तो आधार में सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, मतलब स्कूल या कॉलेज। कॉन्टेक्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसके बाद अपने सारे जवाब के बाद चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कौन से आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ आंसर को शेयर कर देता हूँ। तो फिर नंबर 1, तो इसका आंसर रहेगा लेट श्री टी डॉट एस डॉट आर सुब्रमण्यम। नंबर 2, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5+3+3+4। नंबर 3, इसका आंसर रहेगा 2035 ऑप्शन सी। नंबर 4, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ग्रेड 5। नंबर 5, इसका आंसर रहेगा मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन ऑप्शन ए। नंबर 6, इसका आंसर रहेगा बैचलर विथ रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स। नंबर 7, इसका आंसर रहेगा नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। नंबर 8, इसका आंसर रहेगा NCERT। नंबर 9, इसका आंसर रहेगा नीति आयोग। एंड नंबर 10, इसका आंसर रहेगा 3.5 करोड़। तो इसके बाद अपने सारे जवाब को रेडी चेक कर लीजिए, उसके बाद ही सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब मैं स्कोर शेयर कर देता हूँ, और कुछ गलती हुई है आप इसको जरूर से जरूर सही कर लीजिएगा। तो देखिए 45 मिला है, मतलब एक गलत हुआ है। मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला, आप उसका जरूर से जरूर सही कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं 9 वाला, तो यहाँ पे नो करेक्ट आंसर दिखा रहा है, मतलब इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये गलत ही रहेगा। तो 24 से 48 तक वेट कीजिए, उसके अंदर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट अपने मेल आई डी पर इशू कर दिया जाएगा। तो बस इस क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में इतना तक ही है। आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों के लिए और एक नया क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू।